good morning students how are you welcome in your science class students last week we have started our new chapter that is plants around us and we have completed book work of this lesson so today we will do question answer of part d of lesson 2 so let's start our first question is state the function of a leaf हाँ जी बेटा देखिए क्वेश्चन क्या है आपने लीफ का फंक्शन बताना है तो आंसर क्या है आपका लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट कि लीफ जो है वो प्लांट के लिए क्या करती हैं खाना बनाती हैं योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रोल ऑफ द रूट्स ऑफ अ ट्री कि ट्रीज़ की जो रूट्स हैं उनका क्या रोल है तो आंसर क्या है आपका द रूट्स फिक्स द प्लांट इन दॉयल कि जो रूट जो हैं प्लांट्स को सोइल में फिक्स करके रखती हैं योर क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट टाइप ऑफ स्टेम डू क्लेम्बर्स हैव कि क्लेम्बर्स जो हैं उनकी स्टेम जो है कैसी होती है तो आंसर क्या है बेटा आपका क्लेम्बर्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स कि क्लम्बर्स जो हैं उनकी स्टेम कैसी होती है वेरी वीक एंड थिन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ अ श्रब एंड अ हर्ब हाँ जी क्वेश्चन क्या है बेटा डिफरेंस बताना है स्टेम ऑफ अ श्रब और स्टेम ऑफ अ हब में ठीक है तो आंसर क्या है आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे एक साइड पे स्टेम ऑफ श्रब लिखेंगे और दूसरी साइड पे स्टेम ऑफ हर्ब ठीक है तो स्टेम ऑफ श्रब कैसी होती हैं इट इज़ ब्राउन इन कलर या ब्राउन इन कलर होती हैं बेटा और इट इज़ वुडी और कैसी होती हैं वुडी और जो स्टेम ऑफ हर्ब हैं ये कैसी होती हैं इट इज़ ग्रीन इन कलर ये ग्रीन इन कलर होती हैं और इट इज़ नॉट वुडी और ये क्या है वुडी नहीं होती ठीक है तो इस तरह से आपके जो पार्ट ई के क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्या है आपका होमवर्क और होमवर्क क्या है बेटा टू लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट डी ऑफ लेसन टू आपने जो है पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखने हैं और लर्न भी करने हैं इज़ इट क्लियर ओके